एक साथियों बहम दूर करने के लिए ये काम करना पड़ रहा है मुझे। वैसे मुझे ज़रूरी नहीं समझता मैं इस काम को। काट गया ये देखो, भी टीवीएस स्पोर्ट्स से पकड़ रहा था साहब और आज भी स्पोर्ट्स से ही पकड़ रहा हूँ। और वो लोग कहते हैं कि आप किराया लेते हो, पेट्रोल चार्ज लेते हो, क्यों ना लूँ, मुझे क्या मिल रहा है, एक सेवा ही कर रहा हूँ बस। आपको पेट्रोल चार्ज मैं घर से नहीं दे पाऊंगा भाई, इतना अमीर नहीं हूँ। हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू वैक माई यूट्यूब चैनल सेवक स्नैक हेल्पलाइन। और साथियों आज मैं लॉर्ड कृष्णा इंस्टीट्यूट के बराबर में है, आपका नाम बताना है आज, सचिन कुमार, सचिन भाई की कबाड़े का गोदाम है। और इनके गोदाम में फिर से पहले एक बार सांप निकला था और अब फिर से भी सांप निकला है, चलिए देखते हैं कौन सा सांप है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, हमारे पास कॉल करने की ज़रूरत नहीं, आपको 112 पर कॉल लगाइए, वहां से हमें सूचना ऑटोमेटिक मिल जाएगी, या वो किसी को बुलाएं, लेकिन आपसे आपके घर से खतरा टाला जाएगा। एक बार हम भी नहीं होते हैं तो वहाँ से आपको ज़रूर मदद मिलेगी, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 112 पर कॉल लगाइए, आपकी पूर्ण रूप से मदद की जाएगी। आइए तुम्हारे घर में डालूंगा। जा रहे तो क्या बात है, इतनी तारीफ की तारीफ चाहिए चाहिए पूरी तारीफ आ जाएंगे देखिए चाहिए। मार दिया ना, मारा ना धामन धामन है ये तो। इधर आओ इधर आओ, क्या ऐसे ही निकलो निकलो। यार ये कहते हैं सांप खाके मर जाते हैं, क्या मामला है, कैसे पहचान वाले वाले? इनकी पहचान ये है कि एक तो पिछली बार फनियाओ ना वो जहरीलो वो बिटा रहे नहीं जानते। ये देखिएगा आ जाओ, ये देखो अब इसने आपको दिखाना ही पड़ेगा। एक साथियों बहम दूर करने के लिए ये काम करना पड़ रहा है मुझे। वैसे मुझे ज़रूरी नहीं समझता मैं इस काम को। काट गया ये देखो, ये इसने मुझे काट लिया और ये मुझे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ये मैं जानता हूँ ये नॉन वेनोस स्नेक है, बिना जहर वाला। ये देखो खून भी आ गए हैं और आपके सामने लाइव पकड़ा है मैंने। लेकिन आपको अगर सांप काटता है तो सीधा आपको हॉस्पिटल जाना है, किसी अंधविश्वास झाड़ फूक और जहाँ तंत्र मंत्र वाले के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना आपको, ठीक है। चलिए लाओ डिब्बा लाओ, इसे पैक करते हैं, पूरा करना है, पूरा कर दे देखो। अब ये थाने भिजवाओगे कहाँ? रिलीज हो जाएगा अभी थाने का मेरा ना रखा वो जमा रहे ना आप चल जाओ। और एक और चीज दिखा दूं, अगर सांप काटता है तो आपको ना बाइट मार्क पे कट नहीं मारने हैं बिल्कुल भी, ऐसे करके दांत निकालने हैं। ये देखो दांत होंगे इसमें, ये देखो हैं, हाँ एक मिनट, ये रहा ठीक है, ये दांत निकालने हैं अब। और इसके बाद टीटी इंजेक्शन लगवाना आपको, अगर ये रहेंगे शरीर में तो इन्फेक्शन हो जाएगा, जहर नहीं होता है, इन्फेक्शन हो जाएगा ठीक है। और ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा बिल्कुल भी। कौन सा इंजेक्शन? टीटी। और आपको अगर नई जानकारी सांप की पहचान नहीं हो पा रही है
तो सीधा हॉस्पिटल जाना है, कहीं भी नहीं जाना आपको, ठीक है। तो साथियों हमारे साथ हमारी 112 की टीम भी पहुंच चुकी है, क्योंकि सर से मेरी पहले ही बात हो चुकी है, आप इन्होंने कहा कि आप रेस्क्यू कीजिए, तब तक हम आ रहे हैं। घर से खतरा दो शब्द आपके। अच्छा है, ये आपका जो भी अपना सेवक है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी, क्योंकि आपने रामपुर गोसाई में भी दो सांप पकड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लोगों की सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो बस सर मेरा आपको बुलाने का बस मोटिव यही है, कुछ लोगों, मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ लोग, मैं 10 साल से सांप पकड़ रहा हूँ और कुछ लोग उससे कम समय में सांप पकड़ रहे हैं, और उन लोगों के पास इतनी तरक्की हो गई आज कि एक नहीं चार चार गाड़ियां हैं उनके पास। और मैं आज भी, पहले भी TVS स्पोर्ट्स से पकड़ रहा था सांप, और आज भी स्पोर्ट्स से ही पकड़ रहा हूं। और वो लोग कहते हैं कि आप किराया लेते हो, पेट्रोल चार्ज लेते हो, क्यों ना लूं, मुझे क्या मिल रहा है, एक सेवा ही कर रहा हूं बस, आपको पेट्रोल चार्ज मैं घर से नहीं दे पाऊंगा भाई, इतना अमीर नहीं हूँ। ये सच है, आपने। और जो लोग सांपों को पकड़ कर, अभी नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में ऐसे सांपों की बहुत अच्छे से तस्करी करते हैं लोग, आपने देखा होगा वीडियो में भी देखे होंगे, वो जो जागरण वाले होते हैं वो कहाँ से लाते हैं सांपों को, वो सब किराए पर उठाते हैं। मैंने कई बार जागरण वालों से पूछा भी है और वो बताते हैं कि हम तो किराए पर लाते हैं, लेकिन उन्होंने जगह नहीं बताई, किसी भी जागरण वाले ने जगह नहीं बताई, एक दो जगह पार्टी मिली हमें, उन्होंने जगह नहीं बताई कहाँ से सांप पकड़ रहे हैं, किस से सांप ले रहे हैं, लेकिन सांप तस्करी में आ रहे हैं। और ये 1972 के एक्ट के तहत, ये वन्य जीव अधिनियम के तहत, इसमें आपको सीधा जेल हो सकती है, जेल जाना होगा। इसीलिए फॉरेस्ट ऑफिसर या फिर 112 की टीम को कॉल कीजिए, आपकी मदद होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मैं सेवक कुमार बहुत ध्यान, नमस्कार, जवाहर, आभार, अभिनंदन, सत श्री अकाल। और साथियों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, ठीक है। साथियों स्नैक को हमने रिलीज कर दिया, और क्योंकि जंगल में ज़्यादा हलचल थी और इसी के चलते मैंने इस सांप को थोड़ा सा आराम से डाला है चुपचाप, और क्योंकि हमें जगह मिल नहीं रही है, और ये सांप जो है यहाँ पर छोड़ा हमने इधर साइड, ये नदी नाला सा है और यहाँ पर इसको सर्वाइव करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो साथियों आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा।